नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के सलांगन उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दार्जिलिंग जिले के सांसद और विधायक ने दौरा किया। एक मरीज जो गंभीर रूप से किडनी के समस्याओं के लिए भर्ती है। श्री राजू बिस्ता सांसद दार्जिलिंग ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। नक्सलबाड़ी के खुशी बर्मन नाम के एक मरीज का पता लगाने के लिए जो गंभीर चिंता के तहत किडनी की समस्या से पीड़ित है। जैसा कि आनंद में बर्मन के साथ नक्सलबाड़ी स्टेशन कार्यक्रम के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किया गया था। सबसे पहले राठखोला क्षेत्र में उक्त मरीज के घर का दौरा किया, जिसमें पड़ोसियों ने बताया कि मरीज को गंभीर हालत में मेडिकल में स्थानांतरित कर दिया गया था और तत्काल प्रभाव से विधायक माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी आनंदमय बर्मन के साथ मेडिकल का दौरा किया, जिसमें अधीक्षक अर्थात डॉक्टर संजय मलिक अन्य ऑन ड्यूटी डॉक्टरों के साथ मरीज के दौरे के दौरान साथ उपस्थित रहे। इसके अलावा अस्पताल की ओर भी समस्याओं के बारे में काफी कुछ बातचीत हुआ। नर्स को मैं बधाई देता हूँ उनको और उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने बेड हैं उससे कम से कम 50% ज़्यादा पेशेंट नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और साफ सफाई का भी जो है भारी कमी है। स्टाफ कह लो, डॉक्टर कह लो, टेक्नीशियन कह लो, उनकी भी कमी है। उसके बावजूद भी मतलब ये डॉक्टर और पेशेंट सॉरी डॉक्टर और नर्स जो है भगवान स्वरूप जो अपने से बन सकता है वो कर रहे हैं, और जिस स्थिति में डॉक्टर और नर्स काम करते हैं जिस परिवेश में, मुझे लगता है मेंटल स्थिति उनकी भी बहुत अच्छी नहीं रहती होगी। घर में जाते भी उनको नींद आती नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी 1 घंटे से हूँ और दृश्य जो है बहुत ही डरावना है। ये दुर्भाग्य है और मैं स्वयं को भी इसका दोषी मानता हूँ कि जो है आज तक हम नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को ठीक नहीं कर पाए। ठीक इन द सेंस मतलब बिल्डिंग ठीक नहीं है, इक्विपमेंट ठीक नहीं है, डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, नर्सेस पर्याप्त नहीं है, और जो पैसा मैं तो कहता हूँ कि मैंने आज भी डॉक्टर से कहा है जो मेरे एम्पीलेट में पैसा पड़ा हुआ है जितना आपको चाहिए आप ले सकते हो, क्योंकि मेरे एम्पीलेट फंड से मैं सड़क बनाऊँ या कम्युनिटी हॉल बनाऊँ ये मुझे लगता है आज हमारी आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर किसी तरह आज जो पेशेंट बीमार है अगर वो बच सकता है तो मुझे लगता है वो ईश्वर काम होगा। ज़्यादा ज़रूरत आज जो है मेडिकल की तरफ जो है ट्रस्ट देने की है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, चिल्लाता भी हूँ, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार सोई हुई है, यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, यहाँ के DM से लेकर के यहाँ SDO से लेकर के यहाँ का जो BDO है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे सुरक्षित है, वो आराम से सो रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे जो अस्पताल में उनकी भर्ती होती है, देख रेख होता है, इसलिए उनको इतनी चिंता नहीं है। और उससे भी बड़ी जो है दोषी तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री है। मैं तो ऐसा कहता हूँ ममता दीदी एक बार आ जाए 1 घंटे के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, अगर आपके आँख से आंसू नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ममता दीदी प्लीज कृपया करके आइए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और देखिए स्थिति को, अन्यथा मैं आपसे ये एक परमिशन चाहता हूँ, आप मुझे राइटिंग में मुझे अलाउ कर दो कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का सुपरविजन से लेकर के देखरेख की जिम्मेदारी दार्जिलिंग सांसद की होगी। मैं तैयार हूँ, मैं पैसे भी जुटाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करूंगा, या डॉक्टर टेक्नीशियन जिसकी जरूरत पड़ेगी वो भी मैं करूंगा, फ्री में इलाज होगा, फ्री में लोगों को दवाई दूंगा। लेकिन आप मुझे अगर एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक सांसद को अगर ये जिम्मेदारी आप देते हो सिर्फ नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की, मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा। ठीक करने के लिए हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है। सो मैं एक बार फिर ममता दीदी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप इस प्रदेश की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी में लोग मर रहे हैं, पेशेंट मर रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए मर रहे हैं तो सारा दोष आपके ऊपर जाता है। रही बात नक्सलबाड़ी की एक पेशेंट बच्ची की, छोटी बच्ची, मैं नक्सलबाड़ी उनके घर गया था लेकिन मुझे पता लगा कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कल रात को अचानक वो बीमार पड़ी ज़्यादा, तो वो यहाँ पे भर्ती के लिए आई है। फिर मैं सीधा नक्सलबाड़ी से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में आया, मैं उस पेशेंट से मिला, पेशेंट की दोनों किडनी खराब है बच्ची की, और करीब 2 महीने से जो है उनको ये तकलीफ है, और अभी जो है सवेरे जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा
ऑक्सीजन लेवल भी मतलब उनका गिरा हुआ था, करीब 40 पे आ गया था ऑक्सीजन लेवल, अभी वापस से 82-83 की तरफ आया, नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है और उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और पेशेंट थोड़ी स्टेबल होगी उसके बाद जो है उनका डायलिसिस होगा और भगवान ने कहा मतलब चाहा तो सब डायलिसिस अगर ठीक रहा तो फिर उसके बाद जो है डायलिसिस से भी हम बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट उसका अगर स्थायी इलाज कराना हो तो वो जो किडनी ट्रांसप्लांट ही है। मैंने पेरेंट्स से उनके परिवार वालों से बात की है, मेरे साथ मेरे विधायक भी थे, कि अगर उनके परिवार वाले में से कोई जो है उनको किडनी देने के लिए तैयार होता है तो वो बात करेंगे, और पेशेंट इसके बाद चाहे किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, जो भी करना पड़े, बड़े से बड़े जो इलाज करना पड़े, मैंने पेरेंट्स को कहा ये मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे पास जो कुछ भी होगा सारा धन लगा करके मैं उस बच्चे को ठीक करने के लिए प्रयास करूंगा। और मैं एक बार फिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के MSVP से लेकर के डॉक्टर नर्स को बधाई देता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं, परिवर्तन अवश्य होगा, आप हिम्मत रखिए, अच्छे दिन आएंगे, ये अस्पताल वर्ल्ड क्लास बनेगा, अच्छी इलाज होगी और आपको भी जो है गर्व की महसूसी होगी, आप हिम्मत से इसी तरह जो है जनता की और जो पेशेंट आते हैं उनकी सेवा करते हैं।